और यहाँ आप देख सकते हैं कि 130/74 mmHg जो हमारा बीपी है वो आगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशांत तिवारी एंड वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एम मेडिकल। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेजर वाइटल ऑफ द पेशेंट थ्रू द मल्टी पैरा मोनिटर। हम मल्टी पैरा मोनिटर से कैसे पेशेंट के बीपी, पल्स रेट और हार्ट रेट या ECG कैसे मॉनिटर करते हैं, हम इस वीडियो में आपको डिफाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट है, इनमें हम पहले बीपी कफ एंड SpO2 प्रोब लगाएंगे और उससे हम एसेस करेंगे इनके बीपी और SpO2 एंड पल्स रेट। बीपी कफ लगाने का स्टूडेंट टेक्निक क्या होता है मैं आपको बता दूं। पहले बीपी कफ जो होता है हम बिटवीन द एल्बो एंड शोल्डर के बीच में लगाते हैं, और जो एल्बो एंड शोल्डर का बीच का स्पेस होता है उसका 80% एरिया हमारा बीपी कफ कवर करता है, और जो ट्यूबिंग है वो एकदम सामने होना चाहिए। ये बहुत ही केयर से आपको लगाना होता है, ये एकदम सामने होना चाहिए। एंड SpO2 जो इसका SpO2 प्रोब है ये हम इंडेक्स फिंगर में फिल करते हैं और ऐसे रख देते हैं। देन हमें प्रेशर बटन को यहाँ पुश करना होता है। प्रेशर बटन पुश करने के बाद विद इन 2 मिनट हमारे पास बीपी, पल्स रेट, SpO2 एंड रेस्पिरेशन, ये चार हमारे जो मशीन है ये डिफाइन कर देती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा जो बीपी है इसमें हमें 1 मिनट तक देना होता है, और अभी हमारा SpO2 आ गया है 98% एंड पल्स रेट 91 हमारे पेशेंट का आ गया है। बीपी विद इन 1 मिनट पर डिफाइन कर सकते हैं कि 130/74 mmHg जो हमारा बीपी है वो आ गया हमारे पेशेंट का, और 130/74 ये नॉर्मल होता है, इससे कोई इशू नहीं है। और इनका जो सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये दोनों यहाँ हम देख सकते हैं, SpO2 97 एंड पल्स रेट 94। और इसके साथ ही ये मशीन ECG में भी बेनिफिशियल होता है, हम पेशेंट का ECG भी इस मशीन के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं, जो कि आप यहाँ पिक में देख सकते हैं। डिस्पोजेबल इलेक्ट्रोड के बाद हम ECG के क्लिप को लगाते हैं और ECG भी एसेस करते हैं, जिसके बाद हम हार्ट रेट भी इस मशीन से क्लिक कर सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा होल वीडियो था ये था इस मॉनिटर के ऊपर। होपफुली कि आपको अच्छे से इस वीडियो में मॉनिटर को कैसे हैंडल किया जाता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।